Why is there so much discrimination in society? Is religion responsible? समाज में जो इतना भेदभाव है विभेद है क्यों क्या धर्म के कारण इसको समझने के लिए मैं आपको वेस्टर्न फिलोसफी से थोड़ा उदाहरण दूंगा अगर पिछले 100-200 साल आप पीछे चले जाएं और वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें द देखेफी ऑफ द फिलोसफी गिवन बाय द टॉप वेस्टर्न देखिए वेस्टर्न फिलोस अंग्रेजी जानते थे किताबें लिखते थे पढ़ने वाले भी विदेशी थे बंदूक भी उन्हीं के हाथ में था रुपया पैसा भी उनके हाथ में था तो वो लो लोग जो बोलते थे हम लोग जी हुजूर जी हुजूर करके सुनते थे अभी भी हम लोग को गुलामी मान सकता है अभी भी करते हैं लेकिन पाश्चात्य जगत का जो दर्शन है वेस्टर्न फिलोसफी इसमें कुछ नाम बहुत सुंदर उभर के आते हैं जिसमें कि सबसे पहले होगा मार्क्स कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में जो कुछ हो रहा है ये एक क्लास है उसको बहुत सुंदर कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल और बेस्ट ऑन इकोनॉमी जहां जो कुछ है उनको उनको लगता था कि सब पैसे के कारण ही ना क्लास स्ट्रगल चल रहा है वहां से जब आप चलते हैं दूसरा नाम ये भी कोई विशेष कारण नहीं है एक के एक के बाद नाम लेने का बस के अनुसार जो कुछ भी संसार में हो रहा है यह लिबिडो मोटिडो लिबिडो का अर्थ होता है सेक्स डिजायर मोर्टिडो का अर्थ होता है मार डालने की इच्छा तो मार्क्स के अनुसार जो कुछ हो रहा है संसार में सब लिबिडो मोटिडो है मां अपने बच्चे को प्यार कर उसमें उनको लिबिडो ही दिखाई देता था और बेटा जब बाप को प्यार करता है उसमें उसको मोटिडो दिखाई देता है क्योंकि बेटा असल में मार देना चाह रहा है बाप को लेकिन उसको छुपा रहा है क्या बतले कहा से पागल लोग वहीं पर जन्म लेते हैं क्या पता नहीं यार उनके अनुसार अगर आप किसी को बोलेंगे अरे तुम्हारा ये शर्ट कितना अच्छा है इसका कि आपके मन में सेक्स डिजायर है अगर बोलते हैं कि नहीं शर्ट अच्छा नहीं है उसमें भी सेक्स डिजायर है क्यों आप अपने सेक्स डिजायर को छुपा रहे हैं या कचा है और इसी पे वेस्टर्न वर्ल्ड उछल रहा है नहीं और भारत को गाली सुनाता है। इसमें तीसरे हैं एल्फ्रेड एडलर ये भी बहुत प्रसिद्ध थे अपनी सोच विचार के लिए उनका कहना था कि जो कुछ भी संसार में होता है डिजायर टू बिलोंग और डिजायर टू बिलोंग के साथ रहता है डिजायर टू बी सिग्निफिकेंट अभी उसके बदले में एक बहुत सुंदर नाम है अल्फा मेल। आया बंदर का समूह है ना उसमें अल्फा मेल मुझे पहले मुझे इस झुंड में रहना है और इस झुंड में मुझे ऊपर रहना है तो ये जब हम लोग इस तीन को देखते हैं मार्क्स फ्रॉइड एडलर एक पैसे को प्रधानता देते हैं दूसरा सेक्स सुप्रीमेसी को प्रधानता देता है और तीसरा टू तो बी सिग्निफिकेंट फेम आई शुड बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल सब कुछ में हम लोग देखते हैं कि कहीं पर एक जो संघात या इस तरह का संघात जिसमें कि असरसन आई एम द बेस्ट अरे बनो भाई दूसरों को भी बन नहीं दूसरों ने दूसरों के पांव तले दबे रहना है यह जो पाश्चात्य दर्शन है यह पाश्चात्य दर्शन जो समाज में घुसा हुआ है इसकी स्पष्ट छवि वेरी क्लियर पिक्चर यू फाइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दोजू कॉल देमसेल्स टू बी प्रोग्रेसिव सोसाइटी स्वामी called प्रोग्रेसिव सोसाइटी

Ki society will always have some people who will exploit others kareinge hi kareinge. Chai koi bhi society ho. Kaisi bhi society ho. some people will always exploit now if you want to make a society sustainable chale in that case there has to be ग्रुप और लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप सेक्रीफाइस सो एसे यू हैव टू काइंड ऑफ सोसाइटी देर इज एसन मुझे लेना है पैसे के माध्यम से क्लास स्ट्रगल हम लोग बंगाल में बहुत सुंदर यहां पर हम लोग को डायलॉग आए शक्ति सो हे बुंदु के नाल थके शक्ति निकलेगी बंदूक के नाल से एंड देक्स और सेक्स के साथ मोटिव टू किल और एडलर का सिद्धांत टू बी सिग्निफिकेंट एक तरफ है एसरसन और दूसरी तरफ है सैक्रिफाइस इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी थ्राइव एक्सक्लूसिवली ऑन सैक्रिफाइस अब हम लोग इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे कि किन लोगों ने सैक्रिफाइस किया था एक छोटी सी बात बतलाएं हमारी मां लोग अपने त्याग के बल पे ही समाज को चलाती थी और भी अलग अलग लोग थे संक्षेप में इतना जान ले एक समाज तभी महान बनता है प्रोग्रेसिव नहीं महान ग्रेट जब वहां बहुत सारे लोग सैक्रिफाइस कर रहे हो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्या हुआ हजारों हजार लोग अपने को सैक्रिफाइस करना शुरू किए लेकिन मुसलमान लोग जब आए थे शुरू में लोग सैक्रिफाइस नहीं कर रहे थे वो छोड़ दिया था कौ नृप हो हमें का हानि जाए राजा लोग अपनी लड़ाई करें सो वी वेर बिट अंग्रेज जब आए समेर वी लर्न टू सैक्रिफाइस आवर लाइफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू कॉमन मैन और इधर बंगाल भी से खुदी राम बोस उधर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ये हर तरह के लोग निकल पड़े अपने को सैक्रीफाइस करने के लिए और आजादी मिल गई हमें आज जब हम लोग एक्सप्लाइटेशन देख रहे हैं इस हर एक्सप्लाइटेशन में देखेंगे आदर मार्क्स इज देर लेकिन मार्क्स नहीं रहेंगे क्योंकि मार्क्स टॉक्स अबाउट क्लास स्ट्रगल डेट मीन नीचे के लोगों पर ले जाने का प्रयास सेक्स स्ट्रगल लड़कियों को स्वाधीनता चाहिए कितने कपड़े पहन सके अरे भाई, मत भाई क्या बोले। ऐसे भी तो बाथरूम में नहीं पहनते हो तो रास्ते को भी बाथरूम क्यों बना देना है लेकिन लास्ट में एल्फ्रेड एडलर सिग्निफिकेंट आपको जानकर यह आश्चर्य होगा religion actually puts a stop to it the discrimination as such because see, it's in the nature of human beings when Marx talks about uh, class struggle based on economy when Freud talks about libido mortido when Adler talks about desire to be significant it's not that they're preaching it they're saying that I see he That means every society will have this kind of people. Religion, श्लोक है।, है असो मैं हता शत्रु हनीश चापराने चापरा भी मैंने इस शत्रु को मारा और बाकी उस समय उनको भी मैं समाप्त कर दूंगा ये आसुरी वृत्ति है धर्म उन्हें दबाता है तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिलीजन पर्टिकुलरली रियल वैल्यूज ऑफ हिंदू रिलीजन अगर हिंदू धर्म के वास्तविक जो मूल्य हैं इन्हें अगर लोगों को सिखाया जाए समझाया जाए डिस्क्रिमिनेशन काफी कम होगा